जिस सवाल का जवाब जानने को सभी उत्सुक थे, उस सवाल का जवाब आ गया है, और वो भी वहां से जहां से सबसे ज्यादा मायने रखता है। केएल राहुल के चोटिल होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उनकी जगह किस खिलाड़ी को चुना जाएगा। सभी विशेषज्ञ अपनी अपनी तरह से अलग अलग नाम बता रहे थे, लेकिन अब बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज जारी कर उस नाम की घोषणा कर दी है। साथ ही बीसीसीआई ने यह भी बताया है कि जो भारत के चोटिल खिलाड़ी हैं, जो इंजरी लिस्ट है, उसमें जो खिलाड़ी हैं उनके चोट की स्थिति क्या है और उनकी रिकवरी कैसी हो रही। इसके अलावा बीसीसीआई ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए 3 रिजर्व खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है, और वो 3 खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे। तो कौन कौन है वो खिलाड़ी, ये भी आज बताऊंगा, और साथ ही वो नाम भी बताने जा रहा हूं जो केएल राहुल की जगह भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी की है और उस सवाल का जवाब दे दिया है जिस सवाल को लेकर क्रिकेट फेटर्निटी में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा थी। पता चल गया है कि केएल राहुल की जगह कौन होगा भारतीय टीम में। तो केएल राहुल के जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है डायनेमिक लेफ्ट हैंडर बैटर को। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो बता दूं कि वो हैं ईशान किशन। ईशान किशन को केएल राहुल की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि केएल राहुल ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर यह घोषणा कर दी थी कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उन्हें सर्जरी करानी है अपनी चोट की। तो उसी के बाद से ये कयास लगाने का दौर शुरू हो गया था कि उनकी जगह कौन सा खिलाड़ी जाएगा। तो अब यह पता चल गया है कि ईशान किशन राहुल की जगह पर भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। अनकैप्ड प्लेयर है, अभी तक उन्हें टेस्ट खेलने का अवसर नहीं मिला है। हालांकि भारत की टीम में वो शामिल जरूर किए गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन उन्हें मैच खेलने का अवसर नहीं मिला था। अब जबकि केएस भारत का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई सीरीज में बहुत बेहतर नहीं रहा था, तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि ईशान किशन को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना डेब्यू करने का मौका मिले, टेस्ट डेब्यू करने का। ईशान किशन एक अटैकिंग बैटर है, ठीक उसी तरह जिस तरह की ऋषभ पंत हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है और ये प्लस पॉइंट है, और टीम इंडिया एक ऐसे बैटर की तलाश में भी है। इसके अलावा वो एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि एक सवाल है कि रिजर्व खिलाड़ी कौन कौन होंगे। तो बता दें कि 3 भारतीय खिलाड़ियों को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है, और ये हैं सूर्य कुमार यादव, ये रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के साथ जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे रिजर्व खिलाड़ी हैं, और सीमर मुकेश कुमार जो कि बिहार के हैं और बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो भी रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे। तो ये 3 जो है रिजर्व खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा जो एक और अपडेट बीसीसीआई ने की है वो अपने चोटिल खिलाड़ियों को लेकर की है। तो पहली बात तो क्लियर ही हो गई कि केएल राहुल की चोट इतनी गंभीर है कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी, और वो जो WTC फाइनल है उससे बाहर हो गए हैं। इसके अलावा बीसीसीआई ने जिन खिलाड़ियों की इंजरी के बारे में बताया है उसमें जयदेव उनाडकट हैं जिनकी की चोट गंभीर है, उनके बाएं कंधे में चोट है और एक साइड रोप से उलझकर वो गिर गए थे प्रैक्टिस के दौरान, और वहां पर जो है उनके कंधे में चोट लगी थी। इसके लिए एक जो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट है उससे जो है उनकी मुलाकात कराई गई, उनके मार्गदर्शन में उनकी रिकवरी हो रही है। फिलहाल वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में है, और जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है उनका ध्यान रख रही है। उनके WTC फाइनल खेलने को लेकर बाद में घोषणा की जाएगी कि क्या वो पूरी तरह से फिट हैं, क्या वो WTC फाइनल के लिए जा पाएंगे या नहीं जा
जा पाएंगे, ये जो है बाद में बताया जाएगा। इसके अलावा उमेश यादव की इंजरी को लेकर भी इस प्रेस रिलीज में अपडेट किया गया है। बताया गया है कि जो फ्रेंचाइजी लीग चल रहा है उसके मैच नंबर 36 में, जो कि बेंगलुरु और कोलकाता के बीच था, उसी मैच में उमेश यादव को जो है एक माइनर हैमस्ट्रिंग आई है और उसकी वजह से वो जो है मेडिकल टीम के सुपरविजन में है। और जो कोलकाता की टीम है उसकी जो मेडिकल टीम है वो उनकी देखभाल कर रही है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम कोलकाता की मेडिकल टीम के साथ लगातार संपर्क में है और अपडेट ले रही है। जो भी जो आप कह सकते हैं कि उपाय रिकवरी के लिए बताए जा सकते हैं वो बताया जा रहा है। और अब खबर ये है कि उमेश यादव ने जो है थोड़ी बहुत बॉलिंग भी शुरू कर दी है, रिहाब के लिहाज से ये जरूरी है। तो ये अपडेट है बीसीसीआई की तरफ से जो उसकी प्रेस रिलीज जारी हुई है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि केएल राहुल की जगह ईशान किशन, जो कि झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और बिहार के हैं, उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा बिहार के लिए एक और खुशखबरी है, बिहार के ही मुकेश कुमार, जो कि बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर होंगे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ भी रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।